हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राइट 770। तो आज हम बात करने वाले हैं सिलेरियो की। ये सिलेरियो का टॉप एंड वेरिएंट होने वाला है। सिलेरियो की वीडियो हमने ऑलरेडी पहले भी कर रखी है, जो कि पेट्रोल में ही थी और मैनुअल थी। ये गाड़ी ऑटोमेटिक में है और ऑटो होने के बावजूद देखेंगे कि ये गाड़ी परफॉर्म कैसे करती है, एवरेज क्या निकाल के देती है। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर जब हम अंदर जाएंगे तो आपको एक चीज़ और दिखाएंगे, जो कि एक सर्टन पीपल के लिए होने वाली है कि क्या एड ऑन है इस गाड़ी के अंदर। तो उस बात करें अगर फ्रंट से, तो आप फ्रंट का इसका जो लेआउट है उसको आप देख सकते हैं कि जब से सिलेरियो लॉन्च हुई है तब से इसका सेम प्रोफाइल है। इसका कोई फेसलिफ्ट नहीं हुआ है, कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं इसके अंदर। हालांकि ये कार पुरानी है और आज भी उसी के यही सेम मॉडल आता है। सारी लाइटें इसके अंदर हैलोजन रहने वाली हैं, कोई इसके अंदर LED का काम नहीं है, कोई DRL नहीं है, नथिंग। और क्रोम का काम है यहाँ पे फ्रंट की ग्रिल पे, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये एक लुक है। और साइड प्रोफाइल से आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल भी इसका सेम ही है, नई का भी ऐसे ही है, पुरानी का भी ऐसे ही है। रियर प्रोफाइल, क्योंकि ये कार ZXI है तो इसके अंदर वाइपर आपको मिलता है, अगेन सेम प्रोफाइल है अभी जो नई आ रही है उसके जैसा ही। और डिग्गी की बात करें तो मारुति हर एक अपनी गाड़ी के अंदर लगभग देती है कि इसकी जो सीट्स हैं वो 60-40 रेशो के अंदर स्प्लिट हो जाती है, वो एक प्लस साइन है। और चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं अंदर से कि ऑटो में ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, ऑटोमेटिक है, और जो एड ऑन है इसके अंदर वो किस लिए है। तो आ चुके हैं हम गाड़ी के अंदर और इस तरीके का कुछ लेआउट रहने वाला कार का। बेज एंड ब्लैक कह सकते हैं आप इस गाड़ी का कलर, जो ट्विन कलर प्रोवाइड किए गए हैं। काफ़ी सटल डैशबोर्ड है इसका, ZXI है इसलिए अब थोड़ी सी पुरानी गाड़ी है। इसके अंदर कंपनी ने इस तरीके का इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर प्रोवाइड किया है, जो कि डिसेंट आउटपुट दे रहा है आवाज़ का। FM, AM, मीडिया, रेडियो सब कुछ है, USB ऑक्स सब कुछ इसके अंदर लगा के प्ले कर सकते हैं। एंड CD जैसा कि पहले अभी ब्रेजा के अंदर भी आता है, ये तो ये डिसकंटिन्यू नहीं कराया है मारुति ने। तो इस तरीके का कुछ लेआउट है इसके अंदर। और जो मेन फीचर है ZXI है तो इसके अंदर यहाँ पे आपको माउंटेड स्टेयरिंग मिलता है, हाफ है क्योंकि जो कॉल के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे नीचे की तरफ दे रखे हैं, यहाँ ना देते हुए। ये भी काफ़ी गाड़ियों में आता है, ब्रेजा में भी इस तरीके से आता है, तो हाफ है। और इधर कुछ नहीं है क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल इस गाड़ी में आता नहीं है। इस तरीके का कुछ MID है इसके अंदर, RPM, स्पीडोमीटर, और राइट साइड पे जो डिजिटल स्क्रीन दे रखी है उसके अंदर ये दिखाता रहता है कि गाड़ी न्यूट्रल पे, ड्राइव पे, और किस तरीके से। अब क्योंकि ये कार पुरानी है तो मैं चेक करता हूँ कि इसकी एवरेज अभी आ कितनी रही है। तो अब क्योंकि ये कार ऑफिस टू होम, होम से ऑफिस, और 5 साल हो चुके हैं, तो इसकी एवरेज अभी 11.1 दिखा रहा है, क्योंकि जिनकी कार है उनकी कुछ ज़्यादा ड्राइव है नहीं। और मैं देखूँ इस कार को, 20,331 टोटल ये कार चली है, तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कार मींस कितनी रनिंग पे होगी 5 साल के अंदर। तो बात करते हैं इस गाड़ी के मेजर पॉइंट की, कि ये कार ऑटोमेटिक है तो इसके अंदर आप इस तरीके से यहाँ से इसको हैंडल कर सकते हैं, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। और अगर आप इसको मैनुअली चलाना चाहें तो आप इसको मैनुअल पे करके चला सकते हैं। और आप चलाने का इसका तरीका ये है कि जब मैं पहली बार बैठा मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रहा था कि अगर आपको गियर डालने हैं तो आप इसको प्लस करेंगे तो पहला डल जाएगा, दोबारा करेंगे तो दूसरा डल जाएगा, और माइनस करेंगे तो ये निकलते चले जाएंगे। तो इस तरीके का कुछ फंक्शन है इसका ऑटोमेटिक को ड्राइव करने का। अब क्योंकि जिनकी ये कार है थोड़ा सा उनके फिज़िकली दिक्कत है, वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, यूज़फुल बनाने के लिए ये चीज़ उन्होंने आफ्टर मार्केट लगा रखी है। अब ये कैसे वर्क करता है कि आपको यहाँ से गाड़ी ड्राइव मोड में डाल देनी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेग्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ऑल इज कि आपको अगर एक्सीलेटर देना है तो आप इसको ऊपर पुश कर दीजिए जैसे ये कार अभी चल पड़ी थी, और अगर आपको ब्रेक लगानी है तो इसको डाउन करेंगे तो ब्रेक लग जाएगी। तो इस तरीके से वर्क करता है, अप एक्सीलेटर और डाउन ब्रेक। तो ये है ओवरऑल कार। तो आफ्टर मार्केट इस चीज़ को इंस्टॉल कराने के बाद आप अच्छे से इसको कार को चला सकते हैं, जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं जैसा कि मैंने कहा। और उनके लिए ये थोड़ा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि कौन नहीं चाहता कार को ड्राइव करना, एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से कोई कार ड्राइव ना कर पाए या बहुत ही गलत होता है, तो इस चीज़ से उनको काफ़ी मदद मिलती है जैसा कि मैंने बताया जिस तरीके से वर्क करता है, और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है ये। हाउएवर हम इसकी टेस्ट ड्राइव जो है ऑटो पे लगा के हम खुद लेंगे कि कैसे ये कार परफॉर्म कर रही है, कैसा आउटपुट दे रही है, कैसे और कैसी पावर जनरेट कर रही है।
तो इस गाड़ी को चलाने के बारे में बात करें तो इसका जो ऑटोमेटिक है वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करता है। हालांकि आप जब ये गियर चेंज करता है आपको थोड़ा सा फर्क महसूस होगा ज़रूर कि हाँ भाई अब गियर चेंज हो गया है, लेकिन पावर लैग कहीं पर भी नहीं होता है। तुरंत जैसे ही गियर चेंज होता है गाड़ी अपने आप पावर जनरेट कर लेती है और आपको एक फ्रीक्वेंट स्पीड के अंदर बनाए रखती है, तो वो काफ़ी प्लस पॉइंट है। गेयरबॉक्स की बात करूँ तो गेयरबॉक्स जो है मैं रिवर्स और न्यूट्रल ड्राइव तीनों में मैंने करके देखा तो गेयरबॉक्स बहुत ही आसानी से हैंडलिंग में है। आप कितनी भी तेज़ी से आपको तेज़ चलानी हो या हाई रेव पर चलानी हो आप आसानी से इसको चेंजेस कर सकते हैं, या आपको ऑल ऑफ ए सडन रिवर्स लेनी है या ड्राइव करना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है ये। मैनुअल जो है ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, मार्केट में आप रोड पर देखेंगे बहुत सारी हैं और CNG के अंदर ये अवेलेबल होती है। फैक्ट्री फिटेड तो पब्लिक की बेस्ट प्रायोरिटी में रहती है, टॉप 10 गाड़ियों के अंदर ये हमेशा टॉप लेवल पे रहती है, टॉप पॉइंट्स पे रहती है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। अगर आपके पास भी ये कार है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कार कैसा परफॉर्म कर रही है और अगर कोई इशू है तो आपको क्या क्या इशू फेस करने पड़े, ताकि हम उसके ऊपर भी कोई वीडियो बना सकें। और आपके पास अच्छे पॉइंट्स हैं तो वो भी शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।